प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय बच्चों, हर साल जुलाई 16 तारीख को हम कार्मल माता का पर्व मनाते हैं, जिस दिन संत साइमन स्टो को माता मरियम का दर्शन हुआ था। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबों को इस पर्व का शुभकामनाएं अदा करता हूँ। सबसे पहले इस साल ये पर्व मनाते इस शुभ अवसर पर कलीसिया हमें 3 चेतावनियाँ देती है। सबसे पहले, जिस दिन माता मरियम ने संत साइमन स्टो को दर्शन दिया और एक स्कैपुलर देते हुए कहा कि जो कोई ये स्कैपुलर पहनता है वो कभी नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा, इसी आज्ञा को अपने जीवन में रखते हुए हम आगे बढ़े, अच्छा जीवन बिताए और अनंत जीवन की ओर प्रस्थान करें। दूसरी चेतावनी यह है कि कार्मल संघ के बहुत से संत लोग हैं, उदाहरण के लिए नबी एलिया, संत साइमन स्टोक, आविला के संत तेरेसा, लिस्यू का संत तेरेसा, क्रूस का संत योहन, कैनकरी का संत चावरा और उलूर का संत यूफ्रेसिया। इन सभी संतों के समान कोरोना वायरस से पीड़ित इस जमाने के हर देश के हर व्यक्ति के साथ एक साधारण जीवन बिताने का आग्रह हमसे कलीसिया रखती है। इसलिए लोग इतना अधिक दुख संकट में है, उनके साथ साधारण जीवन बिताते हुए हम अपना जीवन आगे बढ़ाए। तीसरी चेतावनी यह है कि इन कार्मल संघ के सभी संतों के समान जिस समय वे लोग रहते थे और दूसरों की भलाई के लिए काम करते आ रहे थे, उसी प्रकार हम भी कोरोना वायरस से पीड़ित हर हमारे आसपास के हर एक व्यक्ति की भलाई के लिए अपना जीवन बिताए। जिस प्रकार उस दिन काना में उस परिवार को माता मरियम ने उनके दुख संकटों से बचाया, उसी प्रकार कोरोना वायरस से पीड़ित हमारे आसपास के इलाके के सभी लोगों की उन्नति के लिए, भलाई के लिए हम अपना जीवन बिताए, हर दिन काम करें। प्रभु हमें माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा सहायता करे। प्रभु आप लोगों को भरपूर आशीर्वाद दे। सबको बहुत धन्यवाद और जय श्री।